एक्चुअली सी एस आई एस एस आई टी बी का फाइनल लिस्ट निकल चुका है, लेकिन उसके बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन और क्वेश्चन हमारे मन में आ गया है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसका वेबसाइट में आएंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढना है। तो ये इनका वेबसाइट पे आप लोग बाई तरफ देख सकते हो अबाउट सी एस आई आर समर रिसर्च प्रोग्राम, यहाँ पे लिखा है इट इज कमिंग टू आवर नोटिस दैट सम नेम्स आर बीइंग मिस्ड फ्रॉम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। इफ अमंग कैंडिडेट्स एनीवन इंटरेस्टेड टू बी ए पार्ट ऑफ सी एस आई आर एन ई एस टी जोरहाट, प्लीज फॉरवर्ड द अर्लियर मेल टू आवर न्यू मेल आई डी csirsrtv2020@gmail.com। नो न्यू एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम आवर साइट, ओनली द फॉरवर्डेड मेल विल बी कंसीडर्ड। मतलब यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है अगर आपका नाम प्रोविजनल लिस्ट में था लेकिन फाइनल लिस्ट में आया नहीं, तो आपको मेल करना है csirsrtv2020@gmail.com इस मेल आई डी पर। यह नया मेल आई डी है, ये ओनली उन लोगों के लिए है जिसका नाम प्रोविजनल लिस्ट में था लेकिन उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, कोई भी लैब में नहीं आया है, उनको यहाँ पे जाके मेल करना है कि सर हमारा नाम यहाँ पे नहीं आया है लेकिन मेरा जो नाम था वो प्रोविजनल लिस्ट था, प्रोविजनल लिस्ट में मेरा नाम था लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया है। ऑनलाइन कैंडिडेट आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और ऑफलाइन में जो लोग अप्लाई किए थे उनको कुछ मेंशन नहीं करना पड़ेगा, बस उनको यही बोल दो कि मैंने ऑफलाइन अप्लाई किया था, मेरा जो नाम वो प्रोफेशनल लिस्ट में था, प्रोफेशनल लिस्ट का जो सीरियल नंबर है उसको मेंशन कर दो, इस नंबर सीरियल नंबर में मेरा नाम था लेकिन वो फाइनलिस्ट में आया नहीं, तो आप ज़रा इसको देखो, लुक इनटू दिस मैटर। ओके, तो इसको आपको और एक बात, जिसका नाम प्रोफेशनल लिस्ट में था या फिर फाइनलिस्ट में भी आ गया है लेकिन उनका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, वो लोगों को भी इस मेल आई डी पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। इस मेल आई डी पे जाके आप लोग वहाँ पे जाके लिखो कि उनको भेजो लिख के मेरा नाम फाइनलिस्ट में आ गया है लेकिन मेरा नाम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, तो प्लीज़ काइंडली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। और तीसरा एक बात, बहुत लोगों का नाम दो प्रोजेक्ट में आ गया है, शायद कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोग एक एप्लीकेशन मेल पे भी भेजा और दूसरा एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भेजा, उनका दो मतलब दो तरफ से मतलब दो प्रोजेक्ट में उनका नाम आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो प्रोजेक्ट आप एक साथ नहीं कर सकते, वो सीएसआईआर अलाउ नहीं करेगा, आपको एक प्रोजेक्ट ओनली वन एज पर योर कन्वीनियंट आपको ओनली वन चूज करना है और उसके बाद उसको ही उसके ऊपर ही ध्यान देना है, और एक मेंटर ही आप लोग चूज कर सकते हो और एक प्रोजेक्ट ही आपको करना है, दो एक साथ नहीं कर सकते आप एज पर योर कन्वीनियंट, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट पसंद है वही करना पड़ेगा। और जो प्रोजेक्ट में आपका नाम आया है एनी एक्चुअली लिस्ट में और जिस प्रोजेक्ट में आपका नाम आया है प्रोजेक्ट आपको वही करना पड़ेगा, दूसरा प्रोजेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। वो लोग क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको वो उस प्रोजेक्ट में काम करना है तो आप कर सकते हो, या फिर अगर नहीं करना है तो आप इसको ओप्ट आउट कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ से आप लीव कर सकते हो। आज जो लाइव सेशन था उसमें भी उन्होंने यही बताया कि एक फील्ड मतलब एग्रीकल्चर एक जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे कुछ बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है उनको भी ऐड किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी भी ऐड किया गया है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड स्टूडेंट को भी ऐड किया गया है, तो वहाँ पे क्लियरली ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट डिटेल आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे वो लोग बताए कि एग्रीकल्चर एक फील्ड है जहाँ पे बायोलॉजी भी अप्लाई होता है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री केमिस्ट भी अप्लाई होता है, बायोलॉजिकल पाथवे भी वहाँ पे यूज होगा, और मैं कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन भी उनको चाहिए, तो उसके लिए वो वेरियस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड से मतलब एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का वहाँ पे बहुत सारे फील्ड का लोगों का उनको मतलब चाहिए, तो उसके लिए ऐसा उन्होंने किया, ठीक है। तो आप लोग प्रोजेक्ट नहीं कर चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पोस्टर उन्होंने दिया है, पोस्टर में यही लिखा है कि मंडे 22 जून से ये जो प्रोग्राम है ये चालू हो जाएगा समर रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। प्रोफेसर ईडी जेमिम्स जो है पद्मश्री अवार्डी उनका जो स्पीच है उसके साथ ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा सुबह 9 बजे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है, द प्रोग्राम विल स्टार्ट ऑन 22 जून 2020, क्लिक बिलो ऑप्शन टू ज्वाइन द लाइव सेशन, आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हो।
सकते हो, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम का ज्ञान नहीं है, मतलब अगर आपके जो मोबाइल है या कंप्यूटर है वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम अवेलेबल नहीं है, या फिर आपका नॉलेज नहीं है टीम के ऊपर, तो आप लोग फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो या यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लैब वाइज रिजल्ट यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो, यहाँ पे लैब वाइज रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे लैब है, ये देखो आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NEIST जोरहाट, यहाँ पे 8614 जो कैंडिडेट है, यहाँ पे ये लोग इतना स्टूडेंट लिया है। और बहुत सारा जो इंस्टीट्यूट है उनका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एवरी इंस्टीट्यूट का जो मतलब लिंक है वहाँ पे जाके आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। ऐसे 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 करके जितने सारे इंस्टीट्यूट है सबका यहाँ से आपको डाउनलोड करके देखना पड़ेगा कौन से लिस्ट में आपका नाम है। ठीक है, अगर नाम नहीं है तो आपको उनको मेल करना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। अदर देन CSIR इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे। तो वही बात मैं दूसरे और एक बार बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका दोनों इंस्टीट्यूट में नाम आ गया, मतलब सोचिए आप डाउनटाउन यूनिवर्सिटी या काजीनगर यूनिवर्सिटी में भी नाम आ गया, NEIST में भी नाम आ गया, तो आपको एक चूज करना है, आप एक ही चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको जो लैब वाइज है, लैब वाइज आपको यहाँ पे देखना है। ये देखो लैब वाइज मतलब NEIST जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट वन, ये जो सारे कैंडिडेट प्रोजेक्ट वन करेगा, और प्रोजेक्ट वन के बाद आप लोग देख सकते हो प्रोजेक्ट टू भी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट वन खत्म हो गया और प्रोजेक्ट टू यहाँ पे शुरू हो गया। ये देखो ये सारे कैंडिडेट प्रोजेक्ट टू करेगा। ठीक है, ऐसे करके पूरा प्रोजेक्ट 9 या 10 तक है। तो हर इंस्टीट्यूट में जाके आपको देखना पड़ेगा। ये देखो भोपाल में यहाँ पे जाके भी, और जो व्हाट्सएप ग्रुप वो अलग से इंस्टीट्यूट के लिए अलग 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 मतलब रूल्स है। अगर आप IIIM जम्मू में आपका सिलेक्शन हुआ है तो जम्मू से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो लोग आपसे कांटेक्ट करेगा, उनका जो मोड ऑफ इंटरेक्शन है वो अलग होगा, और NEIST का जो मोड ऑफ इंटरेक्शन है वो भी अलग होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वाइज कैसे सर्च करना है कि कौन सा वाला प्रोजेक्ट आपको मिला है, या उनका जो उसका जो डिटेल्स है वो हम लोग कैसे देखेंगे। प्रोजेक्ट वाइज निकल गया यहाँ पे, आपको जस्ट बस प्रोजेक्ट के यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 13 प्रोजेक्ट उन्होंने अपलोड कर दिया, तो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे पूरा मेंशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए एक प्रोजेक्ट टू के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो प्रोजेक्ट टू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टू का जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे अगर इस पे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये रहा प्रोजेक्ट टू का डिस्क्रिप्शन, इसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टोटल यहाँ पे 1200 स्टूडेंट, यहाँ पे 300 स्टूडेंट फ्रॉम ईच डिसिप्लिन, वन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये जो प्रोजेक्ट है, ये चारों जो स्ट्रीम है डिसिप्लिन है इनको कुल मिला के ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। ठीक है, तो ऐसे इसका जो स्टूडेंट लिस्ट है आप यहाँ से अभी देख सकते हो कौन कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे मतलब इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है, उनका लिस्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये देखो प्रोजेक्ट वाइज लिस्ट यहाँ पे निकल गया। तो आपको यहाँ से चेक करना है कि आपका नाम इसमें है कि या नहीं। ठीक है, पहले आपको लैब वाइज चूज करना है कौन सा वाला लैब आपको मिला है, उसके बाद प्रोजेक्ट वहाँ पे आपका मेंशन होगा कौन सा वाला प्रोजेक्ट। अगर NEIST में हुआ तो प्रोजेक्ट आपको देखना पड़ेगा, अगर NEIST नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट आपको देखना नहीं पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट ओनली NEIST के लिए है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फॉर प्रोजेक्ट एट CSIR NEIST जोरहाट अंडर CSIR SRTP, मतलब ये ओनली जोरहाट के लिए है। मतलब आपका अगर NEIST नहीं है और दूसरा लैब है तो उनके साथ आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, वो आपको डिटेल्स दे देगा कैसे आपको क्या करना है। तो फाइनल कैंडिडेट लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे करके पूरा प्रोजेक्ट आपको देखना पड़ेगा, अगर 1 में नहीं है तो 2 देखना पड़ेगा, 2 में नहीं है तो 3, ऐसे करके पूरा प्रोजेक्ट 16 अगर उन्होंने अपलोड किया नहीं अभी तक तो 13 तक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 13 के बाद और नहीं है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी लेक्चर्स एट CSIR NEIST जोरहट, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी लेक्चर जो है उनका सब डिटेल पूरा डिटेल्स है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आपको इन्हें भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि CSIR का जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्लासेस है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बैच 40 एंड आइडियल नंबर इज 30। तो आपको ईच स्टूडेंट में रजिस्टर फॉर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 15, मतलब एक स्टूडेंट 8 या मैक्सिमम 15 क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते फ्रॉम लेक्चर सीरीज 1 एंड 2। मतलब ये मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है और उन्होंने भी इसको क्लियरली मेंशन नहीं किया मतलब कैसे करना है। मुझे लगता है कि
आप लोग जब प्रोजेक्ट के लिए मतलब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये इसको करना है। तो लेक्चर वन का जो सीरीज़ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा और लेक्चर टू और उसके नीचे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है और रजिस्टर करने कैसे करना है वो भी आपको क्लासेस के समय वो लोग बता देगा। ये रहा क्लासेस, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ से देखना पड़ेगा कौन कौन से क्लासेस आपके लिए बेहतर रहेगा। फुल डेमोन्स्ट्रेशन लेबोरेटरी का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो फुल डेमोन्स्ट्रेशन करेगा ऑनलाइन सेशन में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम नहीं है। एक्चुअली मैंने जो लिस्ट आपको दिखाया यहाँ पे देखो आप लोग 38 होगा CSIR इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पे 19 है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें पार्ट नहीं लिया क्योंकि COVID-19 के कारण बहुत सारे इंस्टीट्यूट रेड जोन में है। तो मतलब IICB इंडियन इंस्टीट्यूट केमिकल बायोलॉजी जैसे कोलकाता में है वहाँ पे रेड जोन चल रहा है, तो रेड जोन के लिए वो इंस्टीट्यूट पूरा बंद है, तो उसके लिए उस इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो लोग इंस्टीट्यूट तो नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए आप लोगों को लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन भी वो लोग नहीं दे सकते। मतलब जिन लोगों को अपना इंस्टीट्यूट में चांस नहीं मिला उनको NEIST जोरहाट में ट्रांसफर किया गया है। और एक दूसरा बात और इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों को इस इंटर्नशिप में चांस नहीं मिला उनके लिए एक दूसरा इंटर्नशिप CSIR का, उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे टच रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द मतलब कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी ग्रेजुएट के लिए है, वो भी इंजीनियरिंग के लिए है, सेम है, और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप उसके लिए भी काम कर सकते हो। तो मैं कल उस वीडियो को अपलोड करूंगा। आज के लिए ये वीडियो इतना ही। चलो टाटा एंड हैव ए नाइस डे।